नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों साथ में ये वीडियो है होम क्रेडिट लोन के ऊपर कि दोस्तों होम क्रेडिट लोन दे रहा है, पूरे 50,000 का लोन दे रहा है, बिल्कुल आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको भी लेना है अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर तो लोन, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और डिस्कस के नीचे दो वीडियो हैं उनको भी देख लीजिए परफेक्टली, उसमें बताया हूँ कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों उससे पहले बता दूँ कुछ यहाँ पे दिक्कत आ रही है, जितने मेरे व्यूवर्स हैं उनको दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में, अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उनका पहले बता दूँ कि दोस्तों उनका जो अप्लाई कर रहे हैं उनका रिजेक्ट हो जा रहा है। क्यों रिजेक्ट हो जा रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक नई अपडेट पॉलिसी आई है। पहले क्या दोस्तों कि यहाँ पे 9500 का लोन मिला था सात, मतलब ये कुछ मंथ पहले 9500 का, वो आप कम से कम आधार कार्ड पैन कार्ड पे ले सकते थे। और यहाँ पे दोस्तों एक नई अपडेट आई है 50,000 का लोन। 50,000 का लोन दोस्तों जब मिलेगा, जब आप कम से कम होम क्रेडिट से पहले कुछ सामान लिए हो या दोस्तों होम क्रेडिट पे आपका कोई मतलब एक ऑलरेडी किस्त चल रहा है, बाइक वाइक चाहे कुछ भी लिए हो, टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह कुछ भी किस्त पे लिए हो, उसके बाद दोस्तों आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो पूरे 50,000 लोन के लिए। तो दोस्तों आपने अगर नहीं किया है अप्लाई तो दोस्तों, और नहीं किस्त पे कुछ सामान लिया है तो दोस्तों आप दोबारा कम से कम ले लीजिए। मान लीजिए कम से कम 5-6 हज़ार कुछ सामान ले लेते हो और उसको कम से कम 1-2 महीने के अंदर उसको प्रे कर देते हो किस्त को, दोस्तों आप कम से कम पूरे 50,000 का लोन ले सकते हो। और ये हम बात करेंगे बिल्कुल आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये बता दूँ कि यहाँ पे दोस्तों जो हर आपने देखा होगा हर मोबाइल के दुकान पे बिल्कुल 0% ब्याज पे आपको कम से कम मोबाइल मिलता है किस्त में, आधार कार्ड आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों बता दूं कि ये कहाँ से देते हैं, ये जो देते हैं दोस्तों बिल्कुल होम, जो जितने भी आपको कम से कम ब्याज पे देते हैं, मतलब जो आपको देते हैं बिल्कुल आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे दोस्तों, वो देते हैं जो जितने दुकानदार हैं वो देते हैं आपको, कम से कम 90% लोग आपको देते हैं होम क्रेडिट के साइड से। ये दोस्तों वहाँ से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते हैं और वहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों उनको मिल जाता है मतलब पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं और आपको बांधते हैं किस्त। तो दोस्तों होम क्रेडिट से ये क्या नाम है कि आप दोस्तों मोबाइल से लेके कुछ भी लेते हो, बाइक वगैरह कुछ भी, बाइक का जो किस्त थोड़ा महंगा पड़ जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ भी सामान लेते हो, मोबाइल से लेके छोटा छोटा जो भी सामान लेते हो वो आपको पड़ जाएगा बिल्कुल सस्ते ब्याज पे, ब्याज बिल्कुल उसके लिए लगेगा ही नहीं। जितने का सामान होगा उतना ही आपको कम से कम किस्त भरना पड़ेगा, 2 महीना मैक्सिमम 6 महीने का किस्त भरा जो मोबाइल लोग है उसका किस्त रहता है 6 महीने का। और दोस्तों बाइक का तो 24-25 मंथ का रहता है क्योंकि दोस्तों बाइक जो मोबाइल होता है वो थोड़ा लो रेट का होता है और टीवी वगैरह लो रेट का होता है, उसका लास्ट जो होता है मतलब किस्त 6 महीने का। अगर आप भी लेते हैं और आप भी कम से कम 6 महीने के पहले आप उसको भर देते हैं तो दोस्तों आप कम से कम यहाँ पे जो दोबारा अप्लाई करने का मौका मिल जाता है, पूरे 50,000 का कैश लोन लेने का मौका मिल जाता है। दोस्तों जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो दोस्तों कुछ लोग को मिल भी जा रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल रहा है। दोस्तों अगर कस्टमर केयर से बात करेंगे कस्टमर केयर से तो दोस्तों यही कहेंगे कि आप पहले होम क्रेडिट से कुछ सामान लिए हो ऑलरेडी, तो उसके बाद दोस्तों आपको लोन मिलेगा। दोस्तों मैंने दोस्तों यहाँ से होम क्रेडिट से पहले कुछ सामान नहीं लिया था और उसके बाद तो मैंने अप्लाई किया था, मुझे मिल गया था। दोस्तों अगर आप भी अप्लाई करते हैं तो अगर आपका नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता तो दोस्तों दो यहाँ से मतलब जो दो कारण होगी, एक तो दोस्तों वो अगर कस्टमर केयर से बात करेंगे तो कहेंगे कि दोस्तों आपने होम क्रेडिट से मतलब सामान नहीं लिया है इसीलिए आपको नहीं मिलेगा। अगर होम क्रेडिट से पहले आपने लोन ले रखा है चाहे सामान ले रखा है तभी आपको मिलेगा 50,000 का लोन। और दूसरी बात दोस्तों आपने जो आधार कार्ड पैन कार्ड पर जो एड्रेस, जब एड्रेस डालने का वक्त आता है तो उसमें दोस्तों आप क्या, आप लोग क्या करते हो कि जो एड्रेस है दोस्तों कहीं और का डाल देते हो और आधार कार्ड कहीं और का रहता है, तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि वो जब देखते हैं, जब वेरीफाई करते हैं वहाँ पे, जैसे मात्र आपको कम से कम 5 से 6 मिनट में वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तुरंत वहाँ पे कंप्यूटर में दिख जाता है कि एड्रेस मैच नहीं हुआ। जैसे आप आधार कार्ड डालोगे, OPT फिल करोगे तो उनके पास सारा डिटेल चला जाता है और वो देखेंगे कि आपने एड्रेस क्या डाला है और जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कहाँ का है, तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखिए कि जहाँ का अगर आप अगर अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जहाँ का आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है वो बिल्कुल परफेक्ट, जो एड्रेस है बिल्कुल बिल्कुल रियल डालिए, जो आपका नाम है बिल्कुल रियल डालिए। और अप्लाई करते समय ध्यान रखिए जो आपका आधार कार्ड पर नाम है वहाँ पर आप नाम बिल्कुल रियल में डालिए और फ़ोन नंबर भी रियल में डालिए। अगर दोस्तों एक बार क्या होता है कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आपको
आपको कम से कम 90 दिन बाद आप उसको ट्राई कीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब नहीं है कि आपका आधार कार्ड आपका रिजेक्ट हो गया। तो बता दूं दोस्तों कि आप कम से कम दूसरा मोबाइल नंबर दूसरा ईमेल एड्रेस लेके दोबारा आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर एक बार रिजेक्ट होता है तो पहले कस्टमर को कॉल कर लीजिए, उसके बाद पूछिए कि आपका कहाँ पर गलती हुआ है, उसके बाद दोस्तों उनका पूछ लीजिए, अगर बताते हैं यहाँ पर आपका गलती है, उसके बाद दोस्तों आप दूसरा मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल एड्रेस लेके वही आधार कार्ड पैन कार्ड से आप कम से कम दोबारा अप्लाई करते हैं अच्छे से, तो बिल्कुल परफेक्ट आपको मिल जाता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि जो होम क्रेडिट ये कहना चाहता है कि आप पहले किस्त पर पहले सामान लो उसके बाद आप लोन लो। इससे क्या हो दोस्तों कि दोनों में जो व्यवहार नज़दीकी बढ़ जाती है, जो ग्राहक और कम से कम जो एक दुकानदार मतलब एक दुकानदारी समझो दुकानदार के पीछे पूरी मतलब नज़दीकी बढ़ जाती है, और इसीलिए दोस्तों आपको कम से कम वो दे देता है, वो देखता है कि आप किस टाइम से भरते हो कि नहीं। जब आप छोटा सा कुछ सामान लेते हो उनसे तो वो देखेंगे कि आप किस्त अपने टाइम से बढ़ा, अगर आपने किस्त टाइम से बढ़ा तो ऑटोमेटिक आपके पास फ़ोन आने लगता है एक दो महीने के अंदर कि सर आप लोन ले लो। तो उसके बाद दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए आपने आपका दिया है कम से कम एक तारीख का किस्त भरने के लिए, तो आप उससे पहले 5 तारीख से भरते हो तो दोस्तों उनका व्यवहार सही मतलब वो सोचेंगे कि आपका आप अच्छे बंदे हो, आप टाइम से किस्त भरते हो, तो आपका कम से कम ऑफर दे देंगे 50,000 का लोन लेने के लिए, तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो कंप्लेन आईडी है कि यही है कि आप जो अच्छे से उसको देखिए, ध्यान से एड्रेस वगैरह डालिए, और बिल्कुल और जो तीसरी कंप्लेन आ रही है कि जो साइट है बिल्कुल ही फेक है, जो मेरे व्यूवर्स कह रहे हैं कि ये जो साइट है बिल्कुल फेक है, तो उनसे बता दूं कि ये जो साइट है बिल्कुल फेक नहीं है। आप अगर इस पर कुछ आधार कार्ड पैन कार्ड अपना डालते हो, अपना जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स डालते हो, दो ही चीज़ डालना आपका दो ही चीज़ तो मेन ही होता है, ये बिल्कुल सेफ है। और जो ये साइट है बिल्कुल जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये साइट जो है बिल्कुल सरकार इस पर बिल्कुल निगरानी रखती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है बाइक से लेके हर चीज़ बिल्कुल किस्त पे दिया जाता है, इसलिए दोस्तों सरकार इसको पहले अपना नज़र रखता है इससे बार बार। और ये जो साइट है आपको हर मोबाइल की दुकान पे मिल जाएगा, और हर मतलब बड़े बड़े दुकान जो है वहाँ पे मिल जाएगा, जो किस्त पे सामान देते हैं वहाँ पे आपको इसका नाम मिल जाएगा वहाँ पे उनके, जो हर मोबाइल दुकान पे आप देखोगे किसी का जो बड़े बड़े दुकान होंगे वहाँ पे एक उनके एजेंट भी होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि 50,000 का लोन मिल रहा है कि नहीं, हर चीज़ पूछ सकते हो कि होम क्रेडिट साइट कैसा है बिल्कुल है। और किसी साइट पे आप कम से कम अप्लाई करते हैं तो दोस्तों किसी का वीडियो चाहे मेरा चाहे किसी का भी वीडियो देख के आप सीधे अप्लाई मत कर दो, उसको कम से कम पहले सर्च करो, उसके बारे में पता करो साइट क्या है क्या नहीं। और दोस्तों उंगली उठाने से पहले ध्यान रखो कि दोस्तों उस साइट के बारे में जान लो कि साइट क्या है, रियल या फेक, किसी चीज़ के बारे में बोलने से पहले उस साइट का बैकग्राउंड पहले चेक कर लो, उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड का कम से कम किसी उंगली उठाओ, चाहे बुरा बोलो चाहे अच्छा बोलो बोलने से पहले। दोस्तों मुझे तो अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा, और मैं दोबारा कम से कम यह मेरा किस्त भर गया तो दोबारा मैं अप्लाई कर दूंगा जो 50,000 लोन के लिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उस पर जब मैं अप्लाई करूंगा तो पूरा फुल वीडियो आपको बनाऊंगा, तो यहाँ पर 3 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, अगर नहीं अगर अप्लाई हो पा रहा तो उनसे पूछिए कि सर मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है, अगर हो जा रहा है तो दोस्तों कोई बात नहीं, अपने पैसे लीजिए। और दोस्तों होने के बाद दोस्तों एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्ले स्टोर में इसका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, जो प्ले स्टोर में एप्लीकेशन आपको मिलेगा इसका दोस्तों साइड है, साइड इसलिए बनाया गया क्योंकि दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करते हैं तो सीधे मतलब एप्लीकेशन में जल्दी नहीं लोड हो पाता, इसलिए दोस्तों एप्लीकेशन इसका नहीं है, एप्लीकेशन उस लिए है दोस्तों कि पैसे प्रे करने के लिए इसका एप्लीकेशन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जो लोन मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों लोन नंबर मिल जाएगा, और लोन नंबर उस एप्लीकेशन में डालोगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल आ चुका है, मेरा लोन नंबर एक्टिवेट है और यहाँ पे मैंने कितना किस्त भर दिया है सब यहाँ पे आपको दिख रहा है, और मेरा मोबाइल नंबर किस मोबाइल नंबर से है, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा एड्रेस जो आधार कार्ड पे है वो परफेक्ट है इसमें, क्योंकि मैंने परफेक्ट डाला था। मैंने दोस्तों 5-6 बार ट्राई किया था, 5-6 बार मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस रिजेक्ट हुआ था, बहुत सारे ईमेल एड्रेस रिजेक्ट हुए हैं, 7-8 बार ट्राई करने के बाद मेरा अप्लाई हुआ है और मुझे मिला है। दोस्तों बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, दोस्तों इसका जो लोन का ऑफर है दोस्तों सीधे ऑनलाइन ही मिलेगा, किसी ऑफिस या किसी नज़दीकी सेंटर में जाकर नहीं हो पाएगा, सीधे ऑनलाइन ही करने के लिए होगा। तो ये जो ऑफर है सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हो, अपना ऑनलाइन घर पर बैठे। और ध्यान रखिए इसके लिए आपको कम से कम एक नेट बैंकिंग जरूरी है, नेट बैंकिंग नहीं होगा तो लोन आपको नहीं मिल पाएगा, ये कैश नहीं मिलता, सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है और बैंक अकाउंट आपका वेरीफाई करता है। अगर आपने किस्त नहीं भरा तो आप कम से कम ये पहचान लेंगे भाई कि हाँ भाई ये बंदा किस्त नहीं भरा, इसके अकाउंट से पैसा काट लें, ये भी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आपने किस्त टाइम से नहीं भरा तो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसा काट सकते हैं वो, तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले आप कम से कम किस्त टाइम से भरिए उनका, और नहीं दोस्तों 1-2 महीने आपका वेट करेंगे और जितने पैसा होंगे आपके अकाउंट से काट लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, पहले इसको ध्यान रखिएगा, उसके बाद दोस्तों अप्लाई कीजिएगा पूरे
और प्रणीत सबसे अच्छा कहता हूँ कि आप इस पे कस्टमर केयर में पहले बात कीजिए पूरी तसल्ली से कितना ब्याज मिलेगा कितना नहीं। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि 50,000 लोन के बाद आपको कम से कम 80,000 भरना पड़ेगा, 80,000 बिल्कुल नहीं भरना पड़ेगा। यहाँ पे 3% के ब्याज पे मिल रहा है और 50,000 के हिसाब से जोड़ लीजिए 3% का ब्याज कितना होता है कितना नहीं सब आपको मालूम चल जाएगा। तो कस्टमर केयर में कॉल लगाइए और ज़्यादा कोई दिक्कत आता है प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिए, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।